पर गर्दन के काट दिलवा। ये कौन रेंज पड़ेला, कौन रेंज पड़ेला? ये मंगुराहा रे। वन विभाग के तरफ से कोई अधिकारी लोग आयल बा? सेटल गार्ड लोग आयल बटे ना मानपुर से। मेहरारू के साथे बैठ के खैनी बनावत रहे, 500 मीटर घसेट के ले गइल बाघ, ऊपर चढ़ के सीना खा गइल, बेतिया में 6 साल के टाइगर के तलाश जारी। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, विधायक ग्रामीण आ परिजन के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। वाल्मीकि नगर रिजर्व टाइगर के जंगल क्षेत्र में रहे वाला लोग के एक बार फिर बाघ के डर सतावे लागल बा। साल 2022 में भइल घटना एक बार फिर लोग के जेहन में ताजा होके लागल बा। दरअसल मंगल के बेतिया के गौनहा प्रखंड के वीटीआर के मानपुर क्षेत्र से एगो बाघ निकल के नजदीक के खेत में पहुंच गई। एहिजा बकरी चरा रहल इंद्रदेव महतो पे हमला कर दिलस। जौना समय बाघ हमला कैलस वह समय इंद्रदेव अपन मेहरारू कांति देवी के साथ खेत में बैठ के खैनी बनावत रहन। हालांकि बाघ के देख के कांति देवी ओहिजा से भाग के अपन जान बचा ली हली। बाघ इंद्रदेव के 500 मीटर दूर गन्ना के खेत में घसेट के ले गइल। ग्रामीण पहुँचलन तब मुअल देह छोड़ के बाघ भाग गइल। तब तक इंद्रदेव के गर्दन से लेके छाती तक के चमड़ी पूरी तरह से बाघ हटा चुकल रहे। गांव वाला बतैलन कि हमनी के डरल बानी जा, वन विभाग के टीम लगातार ड्रोन से बाघ के ट्रैक करे में जुटल बिया। कांति देवी बतैली कि मंगर के हम आ हमार मरद बकरी चराबे गइल रही जा, बकरी चरत रहे, हम दोनों खेत के मेड़ पे बैठ के बतियावत रही जा, हमरा से बात करत हमार पति खैनी बनावत रहन, तबे अचानक गन्ना के खेत से बाघ के निकलत हम देखनी। हम डर गईनी, तेजी से उठ के खड़ा भइनी, पति के भी उठ के भागे के कहनी, लेकिन उ बुजुर्ग होखे के वजह से भाग ना पैलन। कांति आगे बतैली कि बाघ तेजी से हमरा पति इंद्रदेव के भिरी आ गइल, उजियाबाड़ा में दबैलस आ 500 मीटर घसीटत शीशम के पेड़ के भिरी ले गई। हम कुछ ना कर पैनी, तेजी से गांव के तरफ भगनी, रास्ता में कई बार गिरनी, जैसे तैसे गांव में पहुंचनी, लोग के पर सूचना देनी। ओहिजे मुए वाला के बेटा के कहनाम बटुए कि हम गांव में रही, माई आके कहली कि पिता के बाघ उठा के ले गई। सहोदरा थाना क्षेत्र के बैनबैरिया गांव के रहे वाला मदन महतो बतैलन कि बाघ संतोष विक्रम शाह के खेत में इंद्रदेव महतो पे हमला कैलस, 500 मीटर ले जाके खात रहे। मुए वाला के मेहरारू कांति देवी के सूचना पे जब ग्रामीण खेत में पहुँचलन तो देखलन कि बाघ इंद्रदेव के मार के खाता। हमनी के शोर मचैनी जाए, एकरा बाद सौ के छोड़ के गन्ना के खेत में भाग गई। DFO प्रदुमन गौरव बतैनी कि बाघ के हमला में मरे वाला इंद्रदेव महतो के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अला के बाद वन विभाग उनका परिजन के 10 लाख रुपया मुआवजा दी। दू गो जंगल के बीच में खुला रास्ता बा जहाँ इंद्रदेव बकरी चरावत रहन, यही बीच खेत में लुकाइल इनका पे बाघ हमला कर दिलस, जौना से उनकर मौत हो गई। हमला करे वाला बाघ के उम्र करीब 6 साल बटुए। बता दही कि वन विभाग के अधिकारी बाघ के ट्रैक कर रहल बाड़न। घटना स्थल से दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर दूर पे जंगल बा। बाघ अक्सर एक जंगल से दूसरा जंगल में नदी के किनारा पकड़ के जाला, लेकिन घना गन्ना होखे के कारण खेत में चल गिर रहे। चल दिया है तो कब तक नहीं है आवत माने आए अपन का परिचय बा चाची जी अपने के विधायक रामनगर हम विधायक रामनगर श्रीमती भागवत जी अच्छा अब वो मैं बाघ था बस ले गया था मार दिया इसको जी मार दिया कैसे पता चला लोगों को कि अरे उसका पत्नी जो हाला किया था गांव पर जाकर तो हम लोग आए थे तो हम लोग पता किए थे तो इनको बाघ मारूंगा क्या नाम है इंद्रदेव महतो बाबूजी के नाम श्यामलाल महतो उनका घर बनबैरिया
प्रखंड कौन है ये? गौनाहा। कौन सा रेंज पड़ता है? रेंज कौन सा पड़ता है? मऊरा। फॉरेस्ट का रेंज क्या है? मऊरा रेंज है। आपका नाम? मदन चौधरी। पंचायत? मऊरा। वार्ड सदस्य जी? यहाँ पे मधु घर उनका। आपका नाम? ऐसे बाग मर दल। अरे बकरी चरावत सुर्ती बनावत रहे। हाँ। और सुर्ती बनाव में एक बार पहुंच गया तो सांप लड़ गया। जहाँ बाग मर लगा घर से कितना दूरी पर भाई? अरे थोड़ के दूर में ऊख बा इधर ऊँख आ रही है इधर है उधर से बैठ कर। कौन कौन रेंज पड़ेला? पुरैनिया। अरे रेंज कौन है? रेंज मऊरा। मऊरा रेंज पड़ता है। थाना कौन है? थाना सांदा सुसोदरा। घर कहाँ है इनको? बन बैरिया। अपन नाम का बा? छोटू महतो। रेंज है थाना बाबू। आपका नाम? जनार्दन। बाघ जो मारा है कैसे मारा है? बकरी चराने आया था। किनको? क्या नाम था जिस जो जिनका मृत्यु हुआ है? नरदेव महतो। उनका पिताजी का नाम? श्यामलाल महतो। जिस जगह पे मारा है उनके घर यहाँ से कितना दूरी पे है? अब तो यहीं पर है ना घर। मानिए 200 मीटर दूर। 200 मीटर के दूरी पर है। कौन सा रेंज पड़ता है? मंगरहा। आपका नाम? जनार्दन महतो। एक टोला यहीं पर है, वहाँ से कल के यहाँ बकरी चरा रहे थे और बैठे थे। उनका बेकत भी यहीं पे थी औरत, और वो पत्नी थोड़ा दूर थी और ये बकरी चरा रहे थे बैठ के। जब तक गन्ना के खेत में से बाघ आया और उठा कर ले गया। आपका नाम? मनोज बैठा। घर? बन बैठा। जहाँ बाघ मारा है यहाँ से कितने दूर पे इनका गांव और घर है? मान लीजिए ना 50 मीटर मान लीजिए। 50 मीटर जी। 50 मीटर पर इनका घर है जी। इनका क्या नाम है? इंद्रदेव महतो। इनके पिताजी का नाम? श्यामलाल। कितना उम्र होगा इनका? 55 लगभग। जो बाघ मारा है अभी मृत व्यक्ति पड़े हुए हैं उनका क्या नाम है? इंद्रदेव महतो। उनके पिताजी का नाम? श्यामलाल महतो। कैसे बाघ मार दिया उनको? बकरी चरा रहा था परती में। अच्छा। झपट लिया हूँ। बर्ती से खींच के ले गया। कितना भाग खा लिया है उसका? अरे सीना आधा कर दिया है। आधा खा लिया है। अच्छा बताओ ना इनको पूरा। आपका नाम? सूरजदेव महतो। ये कौन सा रेंज पड़ता है? मानपुर। फॉरेस्टर हूँ यहाँ का, मानपुर का। घटना कैसे हुई है, किस तरह? ये घटना हुई है, ये जो महतो है इंद्रदेव महतो यहाँ बकरी चराने के लिए आए थे, तो बकरी चराने के लिए काफी लेट तक अपने घर नहीं पहुँचे, तो उनकी पत्नी उनको खोजने के लिए आई थी। तो आई पत्नी तो देख रहे हैं कि वो नहीं है, और कुछ ग्रामीण लोग बताया कि उसको लेकर के अंदर बाग में गया, काफी घटना को मतलब अंजाम देते हुए हल्ला होने लगा। तो इस वजह से हम लोग को भी सूचना मिला, तो हम लोग मौके पर यहाँ पहुँचे, फिर थाना प्रभारी भी पहुँचे हैं। इसके लिए आपका विभाग क्या करेगा? इसके लिए मेरा विभाग इनका मुआवजा देगा। पहले 5 लाख का मुआवजा था, लेकिन अब 10 लाख का मुआवजा इनका मिलेगा। मुआवजा दिया जाएगा जी, बिल्कुल मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम रूपा सिन्हा है। किस रेंज के फॉरेस्टर हैं? मैं जमुनिया का भी हूँ और मानपुर का भी हूँ। धन्यवाद। बाघ मरले बा मरगल बने हैं, कैसे मरले हैं? बकरी चरावत रहले, बकरी चरावत में सरेहुआ में एजा परती खेत बा। अब अचानक बाघ आयल बा मार के सरेह में, जो गन्ना बा गन्नवा में 1-1.5 बीघा के करीब में अंदर ले गई, तो खूब हल्ला भइल। हमने के 2-4 गांव के लोग जुटने से हमने फोन पर सूचना दिलक बड़बेरिया के मनोज, तो हमने गई सब लोग लाठी फाटा लेके देखनी, बहुत लोग जमा जुट भइल बा, जाके देखल गई पूरा। तो बाघ लेके अंदर चल गए? अंदर घसीटते हुए ले गया है, और वहाँ पर जो बा 1.5 बीघा के अंदर ओकर सीना के जोन बा ना, सीना के मांस खा लेल बा, ओकर गर्दन के काट दिल बा। ई कौन रेंज पड़ेला? कौन रेंज पड़ेला? ई मंगुराहा रेंज। वन विभाग के तरफ से कोई अधिकारी लोग आयल बा? कैटल गार्ड लोग आयल बटे ना, मानपुर से कैटल गार्ड लोग आयल बा, सहोदरा थाना के बड़ा बाबू आयल बा, थाना स्टाफ आयल बा। ये मरल बा इनकर का नाम बटे? इंद्रदेव महतो। इनकर पापा जी के का नाम बा? श्यामलाल महतो। आ घर? घर बनबेरिया। जहाँ बाघ मरले बा यहाँ से कितना दूरी यहाँ के घर बा? बस 50-100 मीटर के दूरी पर। 100-150 मीटर में, यानी अंदर जंगल से बाघ गांव के बगल में चल आवत रहसन। बाघ आ जात रहसन गन्ना के खेत में। वन विभाग एकरा पर कोनो कार्रवाई नहीं कर? वन विभाग ये पर उदासीन बा, हमने तो आक्रोश बा, आम जनता के आक्रोश बा कि वन विभाग ये पर पूरा उदासीन बा।
आ हमनी के जब यहाँ से वन में जंगल में लकड़ी उकड़ी कुछ जाल जला आ चाहे कोई जंगली सुअर भी आ जाता गन्ना के खेत में लोग मार देता है हरका देता तो ऊपर केस हो जाता आ इंसान के यहाँ हत्या हो गई बाघ मार दिलक ये पर वन विभाग थोड़ा मन एक का कहे के चाहत नहीं अगर आप मरल बात का मुआवजा के मन वन विभाग यहाँ आओ वन विभाग अधिकारी रेंजर यहाँ आओ उनके परिवार के आश्वासन दे उनके परिवार के मुआवजा की व्यवस्था करो मुआवजा दे उनका परिवार के ताकि उनका बाल बच्चा के आगे जीवन बसर हो सके। नाम का बा हमारा नाम नंदकिशोर महतो हम सामाजिक कार्यकर्ता बने भाजपा माले का आदिवासी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी बने। घर कहाँ बराबर घर धमौरा बड़ा धन्यवाद।